हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज से गेट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन शुरू करते हैं। गेट इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन। क्वेश्चन जो आज सॉल्व कर रहे हैं वो लिया है 2020 के पेपर से। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस कंट्रीब्यूट्स टू एन इंक्रीज इन जेनेटिक वेरिएशन। जेनेटिक वेरिएशन होने के लिए इनमें से कौन से प्रोसेस कंट्रीब्यूट करते हैं, ये हमें पूछा है। ऑप्शंस में देखो है जेनेटिक ड्रिफ्ट, डायरेक्शनल सिलेक्शन, इन ब्रीडिंग या फिर इमिग्रेशन। ठीक है, सो लेट्स गो थ्रू ईच एंड एवरी ऑप्शन टू फाइंड द आंसर। पहला ऑप्शन कहता है जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट बेसिकली क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहूँगी कि एक एंट की लाइन है, एंट्स जा रहे हैं कहीं पे, चींटियाँ जा रही है और उस पर रैंडमली हाथी का पैर गिर जाता है। ठीक है, तो इस वजह से अभी वो जो पैर के नीचे आएगी वो चींटियाँ तो मर जाएगी, तो उतनी पॉपुलेशन कम हो जाएगी। इजंट इट, आर यू गेटिंग मी? तो इस तरह से ये रैंडम एलिमिनेशन हो जाएगा थोड़ी सी पॉपुलेशन का। ठीक है, अभी बची हुई पॉपुलेशन में जो भी मेटिंग होगा, जो भी वो आगे चल के ऑफस्प्रिंग्स आएंगे, सो दैट वुड बी देयर। समझ रहे हो? तो इस तरह से किसी स्मॉल पॉपुलेशन में जब कुछ नेचुरल कैलामिटीज हो या कुछ वजह से अगर ये आता है, नंबर ऑफ पॉपुलेशन डिक्लाइन होती है, तो उसे हम जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। समझ रहे हो? तो यहाँ पर पॉपुलेशन अगर डिक्लाइन हो गई तो ड्रिफ्ट रिड्यूसेस द जेनेटिक वेरिएशन इन पॉपुलेशन। तो ऑफ कोर्स इसने तो रिड्यूस कर दिया, जेनेटिक वेरिएशन रहेगा नहीं, इंक्रीज भी नहीं होगा। आर यू गेटिंग मी? ओके, सो इट एक्ट्स फास्टर एंड हैज़ मोर ड्रास्टिक रिजल्ट इन अ स्मॉलर पॉपुलेशन। हमेशा याद रखना, जेनेटिक ड्रिफ्ट स्मॉल पॉपुलेशन के लिए अफेक्ट करता है। ठीक है, आगे देखो, दूसरा ऑप्शन है डायरेक्शनल सिलेक्शन। डायरेक्शनल सिलेक्शन इज वन ऑफ द मोड ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो होता क्या है कि एक पूरी पॉपुलेशन एक डायरेक्शन में किसी इवेंट की वजह से एक डायरेक्शन में चेंज हो जाती है। एग्जाम्पल देखो इसका, द इंडस्ट्रियल मेलानिज्म प्रोवाइड्स एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्शनल सिलेक्शन। यहाँ पर कैसे हुआ था, जब यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ तब एनवायरनमेंट में पोल्यूशन बढ़ा, ब्लैक सूट तैयार होने लगा हवा में, एंड ड्यू टू दैट वहाँ के जो एनिमल थे उन्होंने कैमोफ्लैज कर दिया। वहाँ पर जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स थे, मॉथ थे, बटरफ्लाइज थे, तो उन्होंने अपना कलर चेंज कर दिया। वो पहले कलरफुल रहा करते थे या फिर वाइट रहा करते थे, जो अभी ब्लैक आने लगे। तो एक पूरी की पूरी पॉपुलेशन चेंज हो गई इनटू द कलर विच विल बी हेल्पफुल फॉर देयर सर्वाइवल। ठीक है, फिर नेचर ने ये ऑफकोर्स उन्हें फेवर किया, ये जो चेंज उन्होंने कर लिया खुद में, नेचर फेवर्स दैट चेंजेस। गॉट इट? सो दिस इज व्हाट डायरेक्शनल सिलेक्शन। तो यहाँ पर जेनेटिक वेरिएशन बढ़ा नहीं कि एक ही टाइप का जेनेटिक वेरिएशन चेंज हो गया। आर यू गेटिंग मी? सो दिस इज अ डायरेक्शनल सिलेक्शन। आगे देखो, ऑप्शन सी कहता है इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग क्या है? इनब्रीडिंग इज द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग फ्रॉम द मेटिंग और ब्रीडिंग बिटवीन क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स। मतलब जो जेनेटिकली रिलेटेड इंडिविजुअल्स हैं उनमें अगर ब्रीडिंग कराया जाता है, सो दैट इज़ अ इनब्रीडिंग। ठीक है, आपको अगर याद होगा तो मेंडल जब हम पढ़ते हैं तब प्योर लाइन कहते हैं, है ना? तो तब इतना पता नहीं था, इतने रिसर्च नहीं था, तो इट वॉज कॉल्ड एज अ प्योर लाइन। ठीक है, सो दिस इज जस्ट लाइक अ इनब्रीडिंग ओनली। तो यहाँ पर वेरिएशन होगा क्या? नहीं होगा। अगर इनब्रीडिंग करा रहे हैं,
बल्कि ये कहा जाता है कि इनब्रीडिंग की वजह से उस ऑर्गेनिज्म की बायोलॉजिकल फिटनेस कम हो जाती है, क्योंकि जितना वेरिएशन रहेगा उतना वो रेजिस्ट कर पाएगा डिसीजेस से हो या फिर चेंजिंग एनवायरनमेंट को हो, तो ये सब उसमें अपने आप आ जाएगा ड्यू टू जेनेटिक वेरिएशन, जो इनब्रीडिंग में नहीं मिल सकता है. सो दिस इज ऑल्सो नॉट द आंसर फॉर आर क्वेश्चन. सो मूविंग टू लास्ट ऑप्शन, अभी ये तो आंसर होना ही है, इमिग्रेशन. इमिग्रेशन इज शिफ्टिंग परमानेंटली, ठीक है. ऑर्गेनिज्म एक जगह से दूसरे जगह परमानेंट जब शिफ्ट हो जाता है, दैट इज अ इमिग्रेशन. प्लांट्स और एनिमल दैट बिकम्स एस्टेब्लिश्ड इन एन एरिया वेयर इट वॉज प्रीवियसली अननोन. तो अभी यहाँ पर अननोन एरिया में वो इंट्रोड्यूस हो जाएगा, वहाँ पर एडॉप्ट कर लेगा, तो एडॉप्ट करते करते उसमें जेनेटिक वेरिएशन आने हैं, एंड अगेन इट विल व्हेन इट विल गिव इट्स ऑफस्प्रिंग्स, तो वहाँ पर भी उसे जेनेटिक वेरिएशन आने हैं, ठीक है. तो इस वजह से अभी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा इमिग्रेशन बन जाएगा. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है. मैंने यहाँ पे मेरा मेल आईडी शेयर किया है, आप अगर आपके कोई क्वेरीज हो बायोलॉजी से रिलेटेड, कोई क्वेश्चंस आपको नहीं समझ रहे हैं तो मैं इसका आंसर देना चाहूँगी. मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसे आपको एक्सप्लेन कर दूँ. सो यू कैन मेल मी और अदरवाइज कमेंट सेक्शन में भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते. Okay, so I wish you all the best and thanks for watching.